तो आज का वीडियो बहुत हटके। Hi guys, this is Vishwa and welcome or welcome back to my channel. I hope all of you are doing great. तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, सो आई एम बैक विथ अनदर हॉल वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हटके होने वाला है क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे एथनिक पीस बताने वाली हूँ। लाइक आई बॉट लहंगा फ्रॉम अजियो, उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है तो मैंने सोचा क्यों ना एक हॉल वीडियो बनाया जाए। तो मैंने एक्चुअली ड्रेसेस का एक ऑलरेडी हॉल वीडियो बनाया है तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे बहुत ज़्यादा यूनिक ड्रेसेस है, सो डोंट फॉरगेट टू चेकआउट। आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो एवरीथिंग आई गॉट फ्रॉम अजियो और उस पर अभी बहुत अच्छा सेल भी चल रहा है, सो यू कैन नॉट मिस दिस ऑफर। और शादी सीजन वैसे भी आने वाली है, सो या दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग एक ड्रेस से स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ लाइक प्रॉपर टू पी सूट, टू पी सूट इन द सेंस इसमें कुर्ता एंड दुपट्टा आपको मिल जाएगा। कुर्ते का कलर बहुत ज़्यादा यूनिक है, सो इट इज़ दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर। तो मतलब आपको शायद कैमरे में ये एकदम अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट दिस इज़ एकदम डार्क रानी पिंक कलर और उसमें लाइट ब्लू एंड गोल्डन कलर की पूरी प्रिंट दी हुई है। और आप अगर नेकलाइन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आगे आपको वर्क डिटेलिंग भी मिल जाएगी। तो इसका फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब एकदम परफेक्ट पीस है। तो इसके साथ आपको मिल जाता है एक ये वाला दुपट्टा। सो दिस इज लाइक नेट जैसा, नॉट प्रॉपर नेट बट सिमिलर टू नेट वाला मटेरियल का एक दुपट्टा है। उसमें ये गोटापत्ती वाली डिटेलिंग वाली बॉर्डर दी हुई है। सो अगर हम ये कुर्ते की बात करें तो आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी, पूरे में गोटापत्ती वाला बॉर्डर मिल जाएगा। और इसकी लेंथ लाइक मुझे एंकल से थोड़ा ऊपर होता है, सो इफ़ यू आर लाइक अराउंड 5'3" 5'4" जो एवरेज हाइट होती है ना, उनके लिए तो एकदम परफेक्ट लेंथ में आ जाएगा। मुझे इसके नीचे लेगिंग्स पहनना पड़ता है, बट इसका घेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड लाइक यू कैन सी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब आप पिक्चर्स देख सकते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया था, लाइक एक ही बार मतलब देख के मुझे पसंद आ गया था क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा यूनिक है और शादी में अलग ऐसे ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन। तो अगर मैं इसकी बॉर्डर बताऊँ आपको तो बॉर्डर में भी आपको ऐसे गोटापत्ती वाली पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। आई गॉट दिस इन मीडियम साइज़। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, दिस वॉज अराउंड 900 और 950 के अराउंड था, बट वर्थ है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा यूनिक पीस भी लगेगा। सो या ओके, सो लेट्स गेट बैक टू अजियो हॉल। तो लाइक इस बार सेल इतना ज़्यादा अच्छा था, मुझे एक्चुअली एक रोज़ गोल्ड की वॉच चाहिए थी क्योंकि वो एथनिक वेयर में इवन पार्टीज़ में सब में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने अजियो बस देखा तो उसमें इतनी लाइक 80% आपको ऑफ मिल रहा था ऑलमोस्ट अच्छी अच्छी वॉचेस पे, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वॉच। सो दिस इज़ फ्रॉम डैनियल क्लैन। तो अगर हम इसकी ओरिजिनल प्राइस की बात करें दैन दिस वॉज फॉर 6500 और समथिंग। इसमें होना चाहिए उसका एक्चुअल प्राइस टैग, इट्स नॉट मेंशन, बट ये 6500 लाइक मिनिमम इज द रेट। एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स। मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। तो यहाँ पे पूरे में डायमंड डिटेलिंग दी हुई है और इसका जो रोज़ गोल्ड का मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको ओरिजिनल प्राइस बता दूँ कि जिससे मुझे ये पड़ा, बट सी द डायल, मतलब ये मुझे इसका इतना ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक दिस इज़ वेरी वर्सेटाइल एंड इसकी जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये लिटरली सारे ड्रेसेस में चला जाएगा, इंडियन आउटफिट्स में सब में ये इजीली चला जाएगा। तो मुझे ये पड़ी सिर्फ 2500 में। सो 2500 में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की वॉच, लाइक अगर आप हाई एंड वॉचेस के शौकीन है तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, उनकी फर्स्ट कॉपी भी लिटरली इतने में नहीं आती है। सो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, डू चेकआउट। मतलब इसमें बहुत अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, 80% ऑफ अगर आपको वॉच में मिल रहा है तो और क्या चाहिए। सो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसकी क्वालिटी इज़ माइंड ब्लोइंग। तो इसके साथ मैंने पेयर करने के लिए एक वो जो ब्रेसलेट, अभी बहुत लाइक आई एम लिटरली लेट फॉर दैट, बट ऐसे ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा निकले थे, सो आई गॉट दिस ब्रेसलेट फ्रॉम जूल्स गैलेक्सी। तो ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, बट ये अजियो में ही था तो मैंने सोचा उसको ही मैं वहाँ से ही ले लेती हूँ। सो दिस इज़ इन दिस रोज़ गोल्ड कलर, आई होप यू ऑल कैन सी। ये दोनों साथ में अगर हम लोग पेयर करें तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये एक्चुअली मैं आपको ट्राई करके नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इसको ये बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे लिए, तो मुझे उसको शॉर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये दोनों साथ में कुछ ऐसी लगेगी, सो दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब मुझे इसलिए रोज़ गोल्ड वॉच चाहिए थे लाइक गोल्डन वाले उसमें, कि मैं ये बैंगल उसके साथ स्टाइल कर सकूँ। तो इसकी भी क्वालिटी मुझे अभी पता नहीं है कि ये टार्निश होगा या नहीं, पर जूल्स गैलेक्सी के जो सारे
एसेसरीज होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है. सो आई एम होपिंग कि ये अच्छा खासा टाइम मुझे लास्ट करे. सो इसकी MRP कुछ 400 के अराउंड थी और मुझे ये 350 रुपीज़ में पड़ा. बट मैंने तो ये बस इसके साथ पेयर करने के लिए इसको ले लिया. मुझे ये लाइक कॉम्बिनेशन इज ग्रेट. तो इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आई डू हैव वन मोर ईयर रिंग. तो ये तो बस मैंने ऐसे रैंडमली ले ली. मुझे ये वाले हुप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे कि ये इंडियन आउटफिट्स में, ड्रेसेस में, सब में अच्छे से मैच हो जाएंगे. तो बस मैंने इसीलिए इसको ले लिया. लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. तो ये एक्चुअली इमेज से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये इतने भी बड़े नहीं आएंगे, बट दे आर प्रिटी बिग. लाइक कैन यू सी दिस. मुझे लगा था ये शायद ये साइज के हुक होंगे, बट ये थोड़े बड़े हैं. सो अच्छा है, मतलब ये इजीली स्टाइल हम लोग कर सकते हैं. लाइक ऐसे हुप्स लगा लिया, आप डेंडी सा नेक पीस पहन लिया, हो गया आपका काम. मतलब कहीं पे भी आप पार्टी में जा रहे हैं, यू आर डन. सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन. और इसकी भी प्राइस 150 रुपीज की अराउंड थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए. सो दिस वन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन आइटम ऑफ दिस हॉल एंड दैट इज लहंगाज. तो मैंने 3 लहंगाज मंगवाए थे. एक मैंने एक्चुअली रिटर्न कर दिया क्योंकि वो कॉटन मटेरियल में था और मतलब वो मुझे इतना ज़्यादा भी अट्रैक्टिव नहीं लगा. दैट वॉज सिंपल सोबर और वैसे ही कुछ पैटर्न का मेरे पास ऑलरेडी था, तो वो नवरात्रि लाइक था. सो आई विल इंसर्ट वन पिक्चर हियर ताकि आपको आइडिया आ जाएगा. क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उसका जो ब्लाउज था दैट वॉज एकदम स्टिच्ड ब्लाउज था. आपको सिर्फ फिटिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती. क्वालिटी वॉज ग्रेट, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था. सो दैसा मैंने उसको रिटर्न कर दिया. सो लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन आइटम एंड दैट इज दिस लहंगा. सॉरी, मेरे पास दोनों लहंगे अभी नहीं है. वो मैंने अहमदाबाद छोड़कर आई हूँ क्योंकि वो दे आर लिटरली वेरी हैवी और बहुत ज़्यादा जगह भी रोकते हैं. तो हम अगर मैं वो लेकर आती तो लगेज में और कुछ भी नहीं आता. सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये लहंगे इतने ज़्यादा हैवी होंगे. मतलब अंदर जो कैनकेन का लेयर था वो लाइक ब्रॉड इतना बॉर्डर जितना तो था ही. आई थिंक 2 या 3 बॉर्डर थे, तो उसकी वजह से उसका जो पूरा फ्लेयर है वो पूरा ऐसे रहता था लहंगे का. तो इसमें ये आपको सेमी स्टिच लहंगा मिलेगा. उसमें आपको साइड से अपना फिटिंग, जैसे भी वेस्ट के हिसाब से आप फिटिंग करवा सकते हैं. लेंथ लाइक मुझे एकदम परफेक्ट लेंथ में हुआ. एंड दिस वॉज अम्ब्रेला. उसका जो घेरा होता है वो अम्ब्रेला फॉर्म में है. और उसका जो ब्लाउज है वो आपको अनस्टिच मिलता है. आपको आपकी साइज के हिसाब से उसको स्टिच करवाना पड़ता है. तो इसका जो ब्लाउज था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि उसमें मिरर वर्क दिया हुआ था और लिटरली जो सारी मतलब डिटेलिंग थी वो ऐसे कटआउट फॉर्म में थी, तो उसको स्टिच कराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. तो जो नेकलाइन उसके ऊपर था आपको वही नेकलाइन में करवाना पड़ता. आप कुछ और नहीं करवा सकते. बट फाइनल रिजल्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. थोड़े उसके मिरर चुभ रहे थे बट इसकी क्वालिटी इज़ अमेजिंग. मतलब ये पहनने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था. मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे ये वाले लहंगे में. तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें देन आई नो यू कांट गेस इट क्योंकि दिस वॉज सुपर अफोर्डेबल. तो ये मुझे कुछ 1800 या 1900 के अराउंड पड़ा था. मतलब कांट इमेजिन कि 1800 में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का लहंगा मिल रहा है. तो डू चेकआउट अगर आपको चाहिए ना फॉर दिस वेडिंग सीजन. डोंट फॉरगेट टू चेकआउट. तो इसके साथ आपको 2.5 लाइक 2.5 मीटर का दुपट्टा भी मिल जाता है. तो इट वॉज इन प्रॉपर नेट मटेरियल. तो वो थोड़ा थिक लाइक थोड़ा जो कड़क नेट होता है ना, बस वैसा कुछ मटेरियल था. उसमें एक आपको सिंपल गोल्डन बॉर्डर दी हुई थी. तो अगर आपको उसको और ज़्यादा हैवी करना है तो आप 2 या 3 बॉर्डर ऐड कर सकते हैं. या तो फिर आप उसमें वो जो लटकन आते हैं वो ऐड करवा सकते हैं. छोटे छोटे स्टोन्स भी लगवा सकते हैं. इट्स अप टू यू. इसका जो दुपट्टा था वो एकदम सिंपल था. सो आप चाहे तो उसको और ज़्यादा फैंसी बना सकते हैं, बट मुझे ये सिंपल ही अच्छा लगा. तो ये मैंने एक फ्रेंड की शादी में पहना था और मुझे लिटरली इसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे. आई वॉज लाइक अगर मैं इसे ऑफलाइन लेने जाती तो मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी का लहंगा इतने में तो डेफिनेटली नहीं मिलता. और ये बहुत ज़्यादा यूनिक भी लग रहा था. तो समर्स में तो ऐसे इजी ब्रीजी लेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा तामझाम नहीं है. लिटरली जो उसका जो स्कर्ट है, मतलब स्कर्ट की तरह वो एकदम प्लेन सिंथेटिक जैसा ऊपर का. और उसका लाइक आपको लिटरली दूसरा वाला अंदर वो कैनकेन का जो स्कर्ट आता है वो पहनना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका ही घेरा इतना अच्छा है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लहंगा. तो उसकी अगर हम लोग ब्लाउज की बात करें तो वो पूरा सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ था. मशीन वर्क था बट उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. इट वॉज इन दिस डार्क ग्रीन कलर. मुझे ये वाला ग्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ऐसे कलर्स लाइक रिसेप्शन के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते. मैंने स्पेशली ये रिसेप्शन में लिया था. और ये आप एंगेजमेंट में पहन सकते हैं, कॉकटेल पार्टीज में भी पहन सकते हैं. तो आपको सीक्वेंस का पूरा ब्लाउज पीस मिल जाएगा. आपको अपनी साइज से आप ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं. तो इसमें इट्स अप टू यू कि आपको कोई भी पैटर्न आप जैसे ही चाहे वैसे आप पैटर्न करवा सकते हैं. तो इसमें भी लाइक अच्छा खासा 1 मीटर जितना तो उसमें मटेरियल था. तो आप लाइक
फ्री साइज होते हैं ये सारे लहंगेस, तो स्मॉल टू एक्सेल, एक्सेल तक या डबल एक्सेल तक भी उसके ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आपको नीचे ऐसा प्लेन स्कर्ट मिलता है उसके साथ में, तो इसमें भी अंदर कैनकेन का लेयर इतना ज़्यादा थिक था, लाइक जो प्रॉपर लाइक 20-30,000 में जैसा पूरा लेयर आता है ना कैनकेन का, सेम वैसा लेयर था। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिला है, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी। तो लेट मी जस्ट डिस्क्राइब दिस लहंगा। तो ये मतलब मैं इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी सेमी स्टिच था, फ्री साइज़ आपको मिल जाएगा। इसमें भी घेरा अच्छा है, पर जो प्रीवियस वाला था उसमें घेरा आपको ज़्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में। और साथ में आपको एक दुपट्टा मिल जाता है, दुपट्टा एक शेड लाइट है, लाइक एकदम लाइट ग्रीन कलर का है, और उसमें डार्क ग्रीन की बॉर्डर है, और साथ में चार एंड पे लटकन्स मिल जाएंगे। लटकन्स जो है वो अच्छे खासे बड़े हैं। तो इसमें भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको और कुछ ऐड करवाना पड़ेगा, बस ऐसे ही आप उसको सिंपल रखेंगे तो बहुत अच्छा आउटफिट लगेगा ये वाला। तो इसका जो ब्लाउज था वो मैंने सेम पैटर्न वाला ही स्टिच करवाया, एंड इट टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल, मतलब उसका फिटिंग और एकदम परफेक्ट आ गया था। द ओनली इश्यू विद दिस ब्लाउज वाज कि उसके जो सीक्वेंस थे वो लगते थे, मतलब ये पेट वाले हिस्से में और ये स्पेशली दिस हिस्से में, तो ये वाले रीजन में उसके सीक्वेंस थे, तो हाथ में वो लिटरली घिस रहा था मुझे यहाँ पे। बट आप अगर लोशन ही ऐसा कुछ लगा ले देन यू कैन मैनेज, अगर आपको 3-4 घंटे तक पहनना है या 4-5 घंटे देन ऑल्सो यू कैन मैनेज दिस। तो मुझे इसको एकदम सिंपल आउटफिट रखना था, तो उसके लिए मैं इतनी ज़्यादा एसेसरीज नहीं पहनी थी, तो मैंने नेक पीस नहीं पहना, मैंने सिर्फ बड़े से डायमंड के इयर रिंग्स पहने। आप चाहे तो मतलब उसमें हुप्स भी ऐसा कुछ भी पहन सकते, तो आप नेक पीस ऐड कर सकते, पर मैंने जो इसका नेक था वो बॉट क्या कहते बोटनेक, या बोटनेक वाला पैटर्न करवाया था, तो उसकी वजह से मैंने गले में कुछ भी नहीं पहना था, मैंने बाल सिर्फ ओपन छोड़ दिए थे, स्ट्रेटनिंग करवा दिया था, एंड यहाँ से दो क्लिप लगा लाइक ऐसा ही कुछ मैंने करवा दिया था उसमें। बट या एकदम सिंपल एंड सोबर आउटफिट था। तो अगर आपकी फ्रेंड की शादी है या कोई कजिन की शादी है, कॉकटेल पार्टी है, तो उसमें आप ऐसे लहंगेज डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इतनी अच्छी क्वालिटी का लहंगा नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि ऑफलाइन भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। और अगर हम प्राइस की बात करें देन दिस वन वॉज फॉर ओनली ₹1300। तो 1300 में आपको पूरा 3 पीस मिल जाता है, मतलब आई एम श्योर आपको ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो अगर ओरिजिनल प्राइस हम लोग देखने जाए वो 4-5 हज़ार तो मिनिमम है, बट आपको अच्छा 70-80% डिस्काउंट मिल जाता है, तो लाइक अच्छी डील में आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। तो इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, बट मुझे सिर्फ दो ही लेने थे इसलिए मैंने ये दो लिए। बट अगर आप चाहे तो मैं नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऐड कर दूंगी और लिंक्स जो मुझे और ज़्यादा पसंद थे। तो पेस्टल शेड्स में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, बट मुझे इस बार एकदम ब्राइट कलर में जाना था, लाइक थोड़ा डार्क शेड में, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस टू लहंगास। क्वालिटी इज अमेजिंग। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।